जब आपको लगे कि ये सारा गल सड़ गया खीरा, तो इसको जो है ना फिर आपने डिस्कार्ड कर देना। ओके, ये जो है ना इसको आप अपने बेडशीट्स पे और सोफों वगैरह पे स्प्रे कर सकते हैं। अंडों का स्टॉक देख के ना आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैंने अंडे खाने शुरू कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वी आर आल्सो फाइन। सो यस, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग विद एन अदर ब्यूटीफुल डे। और यार कल मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया और सारा दिन लिटरली इतना ज़्यादा कोई काम था, लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ ही नहीं आया कि यार मैं आज क्यों इतनी फारिग हूँ। और इतना कोई मेरा अजीब सा दिन था लिटरली, और मैं बैठ के सोच रही थी कि यार मतलब क्यों आज मैं फारिग हूँ, तो इतना मुझे कोई अजीब लग रहा था। खैर एनी वेज, ये कुछ हमारे अभी के सीन्स हैं। बच्चे उठ गए हैं और अभी हम लोग करेंगे नाश्ता, और उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को कुछ कल की स्टोरीज भी सुनाऊंगी साथ। और जो है ना आज सुबह मुझे अपना गूगल एडिसेंस अकाउंट का पिन भी रिसीव हुआ है, तो मुझे उसकी भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। सो और मैंने ना कल अपने लिए डिटॉक्स वाटर बनाया था, इसमें मैंने और कुछ डाला नहीं है, बस सिर्फ ककंबर से डाले हैं। और यहाँ पर ठंड होती है तो पानी वैसे ही मुझसे ज़्यादा पिया नहीं जाता। एंड दिस इज़ माई गूगल पिन, और मैं जो है ना काफ़ी दिनों से इसका वेट कर रही थी, क्योंकि अगर ये डिले हो जाए ना तो फिर आपको बड़ी ख्वारी करनी पड़ती है इसके लिए और बार बार अप्लाई करना पड़ता है। खैर एनी वेज, हम लोगों ने जो है इसको 27th of July को अप्लाई किया था, और आज जो है ये हमें रिसीव हो गया। और इसका टाइम भी यही होता है कि आपको 21 days में ये मिल जाएगा। एनी वेज, डिटॉक्स वाटर यार आप लोग बना सकते हैं, इसमें जो है आप लोग लेमन भी ऐड कर सकते हैं, मिंट लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, जिंजर भी ऐड कर सकते हैं, जितनी मर्जी चीज़ें आप इसमें ऐड करें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मेरे पास क्योंकि यहाँ पे जिंजर कुटी हुई है तो नहीं थी, मिंट भी नहीं है मेरे पास अभी अवेलेबल, और लेमन भी नहीं है, तो मैंने सिर्फ जो है ना तो कम्बर से डाल के बना लिए। ये छोटे पीसेस इस तरह से काट के रख दें, आप पानी पिए और साथ साथ आप इसको रीफिल करते रहें। और जब आपको लगे कि ये सारा गल सड़ गया खीरा, तो इसको जो है ना फिर आपने डिस्कार्ड कर देना है और आपने फ्रेश ककंबर डाल लेना है। सो यस, दिस इज़ द स्टोरी। और मैंने जो है ऑलमोस्ट 1 kg से ज़्यादा वेट रिड्यूस किया है इन लास्ट 6 days, ऑलमोस्ट 1 kg एंड लाइक 300 grams आई थिंक। और मैं अभी आप लोगों को अपना वेट भी करके दिखाऊंगी। जिस दिन मैंने डाइटिंग स्टार्ट की थी उस दिन मेरा वेट था 80.5 और समथिंग, और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा वेट कितना है। बाय बाय, आपको हवा चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए। मामा आपको उठाओ करती हैं, गिव मी अवे, एक्सक्यूज मी, जस्ट गिव मी अवे, आप गिर जाओगे, मामा आपको लेके जाएंगे पीछे हट से। चलो आ जाओ। ओके ओके ओके, चलो आ जाओ। नहीं दी ज़्यादा ब्रेकफास्ट सीन्स, और मैं जो है ना अपना वही बॉयल एग और चाय का कप ही लूँगी अभी, और डेली मेरा भी यही नाश्ता होगा जब तक मेरा वेट जो है ना वो कम नहीं हो जाता। नाश्ते के बाद के सीन्स कुछ ये होते हैं कि मैं जो है ना नाश्ते के फ़ौरन बाद मनीहा की रील बनाती होती हूँ, जो कि मैं डेली इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ। सारे काम छोड़ के पहले हम लोग वो काम करते हैं, उसके बाद मैं घर के काम स्टार्ट करती हूँ। अभी मैंने इन दोनों को चिप्स दिए हैं बैठ के, ये लोग खा रहे हैं। रील हम लोगों की बन गई थी और अभी मैं करूँगी क्लीनिंग स्टार्ट, उसके बाद मनीहा की कुरान पाक की क्लास का टाइम हो जाता होता है। और अगर मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद रील ना बनाऊँ तो पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और मेरी रील जो है ना वो काफ़ी लेट हो जाती है अपलोड होने में। तो सीन है इसके, अभी हमारे पास मौसम भी आज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत सनी सा मौसम है। और कल जो है मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो आज जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है, और कभी कभी ब्रेक लेनी चाहिए इंसान को, अच्छी होती है आपके लिए और आपकी आपको मोटिवेट करने में, और आपकी एनर्जी दोबारा से बूस्ट हो जाती है। सो ये सीन है। कैन आई हेल्प यू? ओके, मनीहा जो है ना आज मेरी हेल्प कर रही है, इसने सारी चीज़ें भी सेट की हैं और अभी फ्लोर मॉप कर रही है। दैट्स इट, ओके। क्लीनिंग हो रही है जी हमारी, और छोटा सा हेल्पर मुझे मिल गया आज, और मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और ये कौन सा लेटर है? दुआ।
आई हैव चेंज द बेड स्प्रेड नाउ, और अभी जो है ना मैं यहाँ से सारा वैक्यूम क्लीनर चलाऊंगी। ये बेडशीट उतार मैंने नीचे फेंक दी है, इसको मैं डाल दूंगी मशीन में, अंदर से बिल्डिंग बना रही है। और इसके बाद देखते हैं कि फिर मैं शायद वॉशरूम्स क्लीन करूँ, मैंने बच्चों को शॉवर भी दिलाना है, बहुत सारे काम है। सो लेट्स सी के हम लोग जो है ना उनको कैसे मैनेज करते हैं। एनीवेज आई होप यार मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए थोड़ी सी तो मोटिवेशन होती होंगी, आप लोग देखे थोड़े से तो मोटिवेटेड होते ही होंगे, मतलब स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो जो अकेली रहती हैं और बच्चों के साथ सारा घर खुद मैनेज करती हैं, तो आपको एक दूसरे को देख के भी बहुत मोटिवेशन मिलती है और आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हैं कि यार कोई और भी जो है ना हमारे साथ इसी बोट में है और शी इज़ डूइंग द सेम थिंग्स और सब कुछ अकेले मैनेज कर रहा है दूसरा बंदा भी। ये कुछ सीन्स हैं साथ वाले रूम के बैठ के, और ये इतना पाइल ना लॉन्ड्री का इकट्ठा हुआ है जो मैंने फ़ोल्ड करनी है, और ये कोई लास्ट 3 times की वॉश के जो है ना वो कपड़े हैं सारे, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। सो यस आई एम गोइंग टू डू दिस नाउ। जब मैंने कपड़े तय करने स्टार्ट किए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो फोल्ड करके के थक गई और ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। और तब मैंने सोचा कि यार मुझे लगता है मैं पहली दफ़ा इतना ज़्यादा कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। एनीवेज यार कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है, मैं तो कहती हूँ कि पड़े रहें और बंदा इनमें से निकाल निकाल के पहनता रहे, बट फिर हम लोग जो हैं अपनी आदत से मजबूर कि नहीं यार हर कुछ ऑर्गेनाइज होना चाहिए और सेट हुआ होना चाहिए। एंड आई विश रियल लाइफ में भी कोई ऐसा बटन हो जिससे सारा कुछ इतना क्विक और इजीली हो जाए, और देखने में तो बहुत इजी लग रहा है बट इट टुक मी अराउंड 20 to 25 minutes ये सारे कपड़े फोल्ड करने में। और उसके बाद आता है फोल्डिंग के बाद का स्टेप जिसमें आपने सारे कपड़े सॉर्ट करके और हर बंदे के अलग अलग करके उसके कपड़ों की जगह पर रखने होते हैं। और ये इतना ढेर जो था ना मैंने कपड़ों का फोल्ड किया था लिटरली, और मुझे मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने कपड़े थे। सो नाउ वी आर गोइंग आउट फॉर ग्रॉसरी। सो नाउ आई एम गोइंग टू गेट द फ्रूट, और एप्पल जो है ना वो हमारे पास पड़े हुए हैं, ग्रेप्स जो हैं वो थोड़े रह गए हैं, सो आई एम गोइंग टू गेट द ग्रेप्स फर्स्ट। और बस सही लग रहे हैं ये वाले। मैंने जो है ना आज जल्दी जल्दी सारा काम पूरा करना है क्योंकि फिर घर जाके रोटी वगैरह भी बनानी पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा थकन हो जाती है। क्योंकि मैंने डाइटिंग स्टार्ट कर दी है तो ब्रेड भी नहीं चाहिए अब, मैं नहीं खाती नाश्ते में। बर्गर के लिए बंस लेने हैं हमने, मैंने लेनी है अपने लिए ग्रीन टी और टी, और ये वाली पत्ती उठा लेते हैं हम, और इसी की जो है ना ग्रीन टी उठा लेते हैं जो कि है इतने की, इससे अच्छा बंदा घर ही बना ले। पाकिस्तान में जो है वो 50-100 की पत्ती लेके आओ ख़त्म ही नहीं होती, पता नहीं कितने दिन चल जाती है। ये जो है ना इसको आप अपने बेडशीट्स पे और सोफों वगैरह पे स्प्रे कर सकते हैं, तो ये भी हम एक ले लेंगे। और हम लोगों का एयर फ्रेशनर जो है ना वो ख़त्म हुआ हुआ था, थिंक आई शुड गेट दिस वन। पीछे से चीज़ उठानी चाहिए हमेशा, अगली वाली जो है ना वो डैमेज भी हो सकती है।
अंजश जो है ना वो कुकीज़ बहुत शौक से खाती है, तो अब जो है मैं अंजश के लिए कुकीज़ लूँगी एंड दे आर ऑफ 3.75 यूरोज़। ये भी हम पीछे से उठा लेते हैं, मुझे लगा था कि ख़त्म हो गई हैं बट थैंक्स गॉड मिल गई। मुझे ना फ्लोर मॉप करते हुए डालने के लिए, जैसे पाकिस्तान में हम फिनाइल वगैरह यूज़ करते हैं, डिटॉल वगैरह, तो मुझे जो है ना कोई डिसइंफेक्टेंट चाहिए। और ये भी पड़ा हुआ है आई थिंक, और ये भी पड़ा हुआ है, सो हम चेक करते हैं। तो स्टेन्स रिमूव करने के लिए पड़ा हुआ है, कोई ब्लीच टाइप सीन है आई थिंक, दिस इज इट। तो हम जो है ना ये ले लेंगे, और यस इस पे बना हुआ भी है कि इसको डाल के हम फ्लोर मॉप कर सकते हैं, तो ये भी ले लेंगे। सो आई एम डन फॉर टुडे। ग्रॉसरी जो है ना वो अब मैं सारे अकेले ही करती हूँ, बहुत ही कम ऐसे होता है कि हम लोग इकट्ठे चले जाएँ सारे, और बच्चे जो है ना मेरे उठ गए हैं। अंजश आ जाओ, कितने जा रहे हो, जल्दी आओ, काम है यार, नीचे रख के चली गई है। जितनी देर में बच्चों के फ्राइज बनेंगे ना, मैं ये सारी चीज़ें समेटूंगी साथ साथ, और अंजश जो है ना ये सारा कुछ नीचे गिराने वाली है। मामा आपको दे देते हैं, वो देती है, लो चलो उधर बैठ जाओ, मैं आपको कॉपी भी देती हूँ, बैठो। यस आई एम गोइंग टू गिव यू द बुक, चलो आ जाओ। वो वही हुआ हमें जिसका डर था। यू वांट दिस? यस ये आपा की, आप ये वाली ले लो, ये आपकी है, ये प्रिंसेस वाली है। व्हाट इज दिस? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ टेबल पे बैठ जाओ। हाँ आ जाओ, चलो सिट हियर। तो मैं इधर ऊपर रखती हूँ, सारा कुछ है, चलो बैठ जाओ, सिट इन द चेयर। क्या लिख रहे हो? पेंटिंग कर रहे हो? ब्लैक इज इन योर हैंड, यू हाथों पे नहीं लगाना, ओके? अंडों का स्टॉक देख के ना आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैंने अंडे खाने शुरू कर दिए हैं। 18 एग्स ये पड़े हुए हैं और ये भी पड़े हुए हैं। सो यस, क्योंकि मैं अंडे खाती हूँ, इस वजह से अंडे ख़त्म नहीं होने चाहिए। अब जो है ना मैं बच्चों को दूंगी फ्राइज, और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी रोटी। यार किसी ने मेरे से पूछा हुआ था कि फ्रिज किधर है आप लोगों का, तो फ्रिज जो है ना हम लोगों का ये डोर के पीछे, और इसी के ऊपर जो है ना हम लोगों का माइक्रोवेव भी लगा हुआ है, तो ये ऐसे बिल्कुल छुप जाता है, इसके पीछे नज़र नहीं आता। ये सीन है यहाँ का। वेजिटेबल्स बॉईल किए हैं मैंने अपने लिए थोड़ी सी, और रोटी बन रही है अभी, और साथ ये भी हो रहा है मेरे आज। और कल जो है ना मैंने गोश्त बनाया था, तो उसका सालन पड़ा हुआ है हमारे पास अभी तक, सो इस वजह से जो है ना मुझे आज सालन ही बनाना था। मनिया क्या कह रही हो? ओके चलो जल्दी करो, मेरी रोटी जल जाएगी। खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है ना मैंने अंजश और मनीहा दोनों को शॉवर दिलाया, और मनीहा जो है वो फिर नीचे चली गई है,
और इसके बाद जो है वो फिर मैं करूँगी मशीन लोड, और उसके बाद विल सी के क्या होता है, मे बी मैं फारिग हो जाऊँ। और क्योंकि कल जो है ना मैंने कुकिंग भी करनी है, मैंने आटा भी गूंदना है, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो यार मैंने सोचा कि मैं भी इनको नहला के सुला देती हूँ, और अभी मैं इसके बाल जो है ना वो ड्राई करने लगी हूँ। और इसके बालों की भी अच्छी खासी लेंथ हो गई है, लेकिन इसके जो है ना नीचे से कर्ली हेयर है, ये जैसे ड्राई होंगे तो नीचे से कर्ल्स बन जाएंगे इसके। सो कुछ ये सीन्स हैं हमारे अभी तक के, और बहुत ही ज़्यादा कोई बिजी दिन था आज मेरा बहुत ज़्यादा। बच्चों को जो है ना आप लोग देख के प्लीज़ माशाल्लाह बोल दिया करें। सो अभी बच्चों से मैं फारिग हो गई हूँ, अब मैं जो है वो करूँगी मशीन लोड। मैं यहाँ जो है वो वापस ऊपर आ गई है, और अंदर जो है वो सोने की तैयारी कर रही है। शो मी योर कैट, शो मी योर कैट फेस टू फेस। दिस इज द टाइम राइट नाउ। And these are my kids. मतलब रात का 1:30 बज रहा है यहाँ पे, और ये सीन से खैर मैं जो है ना बच्चों को सुला के तो आप लोगों को स्टोरी बताती हूँ कि सीन क्या चल रहा है अभी तक यहाँ पे। अभी जो है ना मैं नीचे इसलिए आई हूँ क्योंकि कल मैंने जो है वो रेड बीन्स बनाने हैं, और इनको जो है आपको नाइट बिफोर डिप करना पड़ता है तो ये इजीली पक जाते हैं। दूसरा सीन इज़ के मैंने जो है ना मशीन लोड की थी, कपड़े मेरे वॉश हो गए हैं, मशीन बंद हो गई है, इसको भी हम ऑफ़ कर देंगे, और सुबह जो है अब मैं इनको बाहर डाल दूँगी, क्योंकि अगर दिन को मैं इसको चलाऊँ ना तो अंदर आके खुद ही इसका घुमा देती है और सारा काम ख़राब हो जाता है। और आखिरी बात ये है कि मैंने अभी तक इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी, और सारा दिन के कामों के बाद, थकने के बाद, इतने ज़्यादा काम करने के बाद अगर नमाज़ बंदा छोड़ दे इतने मुश्किल मुश्किल काम करके तो बंदे को फिर बहुत बुरा फील होता है। सो अभी मैं रेड बीन्स के नीचे से चूल्हा बंद करके इशा की नमाज़ पढ़ूंगी, बाकी सारे सो गए हैं, और हमारे पास रात के 2:30 बज रहे हैं। सो कुछ ये सीन्स हैं, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई चुड़ैल खड़ी हुई हो अंधेरे में, और मुझे अपना इमेज देख के खुद डर लग रहा है। डोंट फॉरगेट टू टेक योर सप्लीमेंट्स, स्पेशली इफ़ यू आर ऑन डाइट। और कैल्शियम जो है ना वो तो हम फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे भी याद नहीं रहती, बट ये है कि आज जब से मैंने डाइटिंग स्टार्ट की है मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं आयरन और कैल्शियम डेली ना लूँ तो एक दिन छोड़ के लाजमी लूँ। सो फाइनली अभी जो है ना मेरा आज का दिन एंड हुआ है, और अभी रात के 3 बज रहे हैं। तो सीन कुछ ये हुआ कि खाने के बाद मैंने बच्चों को नहलाया, और जब मैंने उनको नहलाया तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं मशीन लोड कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं वॉशरूम्स, वो जो मैं डिसइंफेक्टेंट लेके आई थी आज, मैंने कहा वो डाल के वॉशरूम्स के फ्लोर मॉप कर देती हूँ। जब मैंने वो किया उसके बाद जी मेरी हालत अपनी ऐसी हो गई थी कि मैं बेड पे जाने के काबिल नहीं थी, बहुत बंदा गंदा बंदा सा हो जाता है, और आपको अपना आप बहुत गंदा सा लग रहा होता है वॉशरूम साफ़ करने के बाद। तो फिर मैंने आकिब से कहा कि यार आप जो है ना इनके पास लेट जाएँ और इनको सुला दें, तो मैं जो है कपड़े चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद जी मैं कपड़े चेंज करने चली गई और बच्चों को मौका मिल गया, उन्होंने कहा नहीं जी भाई हमने तो नहीं सोना। सो सीन कुछ ये हुआ कि बच्चे जागते रहे, मैं चेंज करके आई और उसके बाद मैंने बच्चों को सुलाया, और उनको सुलाते सुलाते रात के 2 बज गए। और मेरी बहुत बुरी आदत है कि मेरे माइंड में जैसे एक बंदे की टू डू लिस्ट होती है ना कि मैंने ये करना है मैंने ये करना है, तो जब तक मेरे वो काम हो नहीं जाते ना, चाहे रात का जो मर्ज़ी टाइम हो जाए, मुझे जो है ना बस उलझन होती रहती है। मैं कहती हूँ यार अगर मेरे माइंड में ये चीज़ है कि ये मैंने आज करनी है तो ये मैं आज ही करूँ, ऑल दो मतलब इतना लेट हो गया था 12:00 1:00 और मैं जी आधी रात को
वॉशरूम साफ़ हो रहे हैं, बच्चे मैं नहला रही हूँ, मशीन मैंने लोड की, और ये सारे काम जो मेरे माइंड में थे कि आज ये हो जाए सम हाउ मैंने ख़त्म कर ही लिए, बट शुक्र अल्लाह का कि हो गए सारे, और अब मैं सुकून से सो जाऊँगी जो थोड़ी सी देर सोऊँगी। खैर दिस वॉज द स्टोरी। और यार आज मुझे ना काफ़ी सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए, और कुछ लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग के नीचे भी कमेंट्स किए हुए थे कि यार आप जो है ना डेली व्लॉग अपलोड किया करें प्लीज़, और इस तरह का कुछ सीन था। तो मैंने सोचा है कि मैं डेली व्लॉग अपलोड किया करूँगी इंशाल्लाह, और जिस दिन मेरे में हिम्मत नहीं होगी या थोड़ा सा सीन डाउन होगा उस दिन हम छोटा व्लॉग बना लिया करेंगे। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना 5-6 मिनट का बन जाए या 7-8 का, तो उसको एडिट करना और मैनेज करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इजी होता है, पर जो लंबा व्लॉग होता है ना उसको एडिटिंग और सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो फिर मैंने यही सोचा कि यार मतलब सारे दिन आपकी लाइफ में एक जैसे नहीं होते, किसी दिन आप डाउन भी फील कर रहे होते हैं, किसी दिन आपका दिल नहीं भी कर रहा होता, तो उस दिन हम छोटा व्लॉग बना लिया करेंगे बट हम डेली अपलोड किया करेंगे। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने बोला कि यार आप बनाए, हमें आदत हो गई है, हमारी अटैचमेंट हो गई है, ब्ला ब्ला। सो ये उन लोगों के लिए होगा कि मैं जो है ना सम हाउ टाइम मैनेज करूँगी और डेली व्लॉग अपलोड करूँगी। एनीवेज अब जो है ना हम अपना आज का दिन यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, और इंशाल्लाह जो है कल नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। एंड यस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।